बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और लिपशिस कंटिन्यूटी के हवाले से था। उनका आपस में रिलेशन और कंटिन्यूस फंक्शंस का रिलेशन देखा था हमने, काउंटर एग्जांपल्स देखी थी। अब जो हमारा जो सेक्शन है वो है 5.6, जिसमें हम मोनोटोन और इनवर्स फंक्शंस के हवाले से देखेंगे और उसको देखेंगे कि कंटिन्यूटी का उनके साथ क्या ताल्लुक है। अगर कंटिन्यूस फंक्शन के साथ मोनोटोनिसिटी मिला दी जाए तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। ये एक नया हमारे पास आइडिया है इस हवाले से, क्योंकि पहले हमने मोनोटोनिसिटी नहीं डिस्कस की फंक्शंस के हवाले से। इसको देखते हैं, पहले डिफाइन कराते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शंस होते क्या हैं या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन कौन से होते हैं। सेक्शन है हमारे पास 5.6, टॉपिक का नाम है मोनोटोन एंड इनवर्स फंक्शन। ये जी हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके लिए सपोज करें कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एफ फ्रॉम ए टू आर, ये इफ नहीं लेट कर लें इसको, कि एक सबसेट है आर का, एफ एक मैप है, एफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन ए, ऑन सेट ए इफ वेन एवर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स टू, देन एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये पहली डेफिनेशन है, ठीक है जी। और सेकंड डेफिनेशन है एफ, ऑब्वियसली एफ के लिए ये सपोजिशन है कि एफ की डोमेन ए है जो कि आर का सबसेट है, एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन अगर ना हो तो हम मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट नहीं दे सकते। उसकी वजह सबसे अहम ये है कि ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि आपके पास एफ जो मैप है वो इस तरह से है। यहाँ पे अगर रेंज या कोडोमेन है ना वो आर नहीं है, एफ यहाँ पे ए सबसेट है हमारे पास आर का, और यहाँ पे पार्शल इधर आर्डर मौजूद नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो कैसे कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ। ऑब्वियसली दोनों केसेस में डोमेन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो दो एलिमेंट्स जब कंपेयरेबल होंगे तो रेंज के एलिमेंट्स भी कंपेयरेबल होंगे, तब जाके हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए यही कंडीशन है, और अगर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है, स्ट्रिक्टली के लिए ऑब्वियसली इनइक्वालिटी पे जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए, ये पूरी डेफिनेशन है इंक्रीजिंग ऑन ए है ना, इसको उसने बोल्ड किया हुआ। ये पेज है हमारे पास, ये मैं बता दूं पेज हम जो कर रहे हैं ये है जी 153, 153 पे सेक्शन 2.5.6 जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पे उसने ना डेफिनेशन तकरीबन 6-7 डेफिनेशन दी हैं पैराग्राफ के अंदर। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन दिया, इंक्रीजिंग के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है ना उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर एक्स वन स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स टू होगा तो ये इम्प्लाइज करेगा एफ ऑफ एक्स वन भी स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ एक्स टू है। ये ना हो कि एक्स वन अगर लेस देन एक्स टू है तो एफ ऑफ एक्स वन के ऊपर यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए। अगर एक्स वन स्ट्रिक्टली एक्स टू से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स वन भी छोटा होना चाहिए एफ ऑफ एक्स टू से। सिमिलरली अब इन डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है, जी एक मैप है जो कि ए से आर पे है, इज सेट टू बी डिक्रीजिंग ऑन
इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स टू इंप्लाइज दैट जी ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू. ये थर्ड डेफिनेशन है. इसी तरह से फोर्थ है हमारे पास जी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इम्प्लाइज दैट जी ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स टू. एक और डेफिनेशन जो हमारे पास है मोनोटोन. एफ इज मोनोटोन इफ आइदर इंक्रीजिंग एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मोनोटोनिसिटी बेसिकली दोनों चीजों को कवर करती है. बाज बुक्स में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का वर्ड भी आता है अकेला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जगह पे. इफ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन वी से दैट इट इज मोनोटोन. वी से दैट इट इज मोनोटोन. मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटोन का मतलब है कि अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ठीक हो जी. इसके बाद हमारे पास अगर एफ एक दो रिमार्क है उसमें इफ एफ इज इंक्रीजिंग ये रिमार्क है जी. देन जी विच इज इक्वल टू माइनस एफ इज डिक्रीजिंग. अगर फंक्शन इंटरवल पे डिफाइन हो तो फिर क्या इफेक्ट होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी. अच्छा एक और बात, दूसरा रिमार्क है मोनोटोनिक फंक्शन में ना मैंने कोई कंटिन्यूटी का तो जिक्र नहीं किया. मोनोटोन फंक्शन आर नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस. पहला रिमार्क ये था. दूसरा ये है मोनोटोन मतलब या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दो भी हो फंक्शन आर नॉट नेसेसरली कंटिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो एंड वन एंड f of x is equal to 1 if x belongs to 1 shamil nahi hai 1 to 2 then iska graph zara draw karke dekhte hain. ye dekhen ji ye hai ji 0 ye hai 1 ye hai 2. 0 se 1 tak 0 hai 0 se 1 tak kya hai ye 0 hai. ये कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा जीरो टू वन वन शामिल है और वन टू टू जो है ना वो है जी वन. ये लेवल वन है हमारे पास. अब देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है क्यों वन पे. एफ इज डिसकंटिन्यूस एट वन इंप्लाइज दैट एफ इज मोनोटोन. However, it is discontinuous. Continuous on
जीरो टू टू, ऑब्वियसली एक पार्ट पे डिसकंटिन्यूस है तो सारे डोमेन पे डिसकंटिन्यूस होगा, लोकल प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी, अगर एक पे नहीं होगा तो फिर किसी पे भी नहीं होगा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें नोट करने वाली बात है कि इसकी जो लिमिट है ना हमारे पास, वो लाजमी एग्जिस्ट करेगी, बोथ बोथ साइडेड लिमिट एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। ये अब इस चीज़ को उसने एक रिजल्ट का नाम दिया है, थ्योरम 5.6.1। थ्योरम कहता है ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है मोनोटोनिक फंक्शंस की, लेट आई इज ए सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल, बी एन इंटरवल। यूजली जो बुक में इस कैपिटल आई को डिनोट किया गया इंटरवल के नाम से किया गया, साथ बता देता है कि इंटरवल की क्या प्रॉपर्टी है, ये तो जनरल आर्बिट्रेरी इंटरवल की बात कर रहा है, इसमें कोई इसने कहा नहीं कहा कि क्लोज्ड है बाउंडेड है, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, इंटरवल एंड एफ फ्रॉम आई टू आर बी इंक्रीजिंग ऑन आई, बी इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग के लिए कर ले तो डिक्रीजिंग के लिए वैज इट इज होगा ऑन आई। सपोज डैट सी इज एलिमेंट ऑफ आई इज नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ इज नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ आई, देन वी हैव two implications. Number one, limit x approaches to c from left side, ये ऊपर negative लगाने का मकसद है कि left side से f exist भी करेगी, वो equal किसकी होगी, वो supremum होगा f of x x is less than c, जितने x c से छोटे हैं और y के elements हैं उस पे function value calculate करेंगे उसका supremum ले लें, वो हो जाएगा लिमिट एफ की होगी। और नंबर टू, उसी सी पे उसकी लिमिट राइट साइड से एग्जिस्ट करेगी, एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू, वो होगा इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई एंड एक्स इज ग्रेटर देन सी। ये बड़ा अहम रिजल्ट है कि लिमिट एग्जिस्ट लाजमी करेगी लेफ्ट एंड राइट एंड, और दूसरी बात है कि वो इक्वल हो या ना हो, जब इक्वल नहीं होगी तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। इसका प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान सा प्रूफ है। फर्स्ट पार्ट का करते हैं, वी हैव गिवन दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आई है और एक्स लेस देन सी है, जब एक्स लेस देन सी है तो एफ तो कमनेट जो लिया हुआ वो इंक्रीजिंग फंक्शन लिया, तो ये इंप्लाइज करेगा f of x is less than equal to f of c, तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ कि जो ये सेट हमने बनाया है, क्वेश्चन ये होता है पहले कि ये सेट हमने बनाया है जिसमें x belongs to i है और x is less than c है, ये बाउंडेड फंक्शन बन गए, बाउंडेड सेट बन गया। कैसे बाउंडेड सेट बन गया कि एक्स एक इंटरवल है, एक्स लेस देन सी ले लिया हमने, तो यहाँ और ये एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स लेस देन सी है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हैं हर एक्स की वैल्यू छोटी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू छोटी है एफ ऑफ सी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंडेड अबव है, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ दिस सेट, इसका नाम अगर आप रख लें कोई एस इज बाउंडेड, इस प्रॉपर्टी से हमने ये अंदाजा लगाया कि इट इज बाउंडेड अबव बाय एफ ऑफ सी। अगर बाउंडेड अबव है तो कंप्लीशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, हर बाउंडेड अबव सेट का सुपर एग्जिस्ट करता है, Does the indicated supremum exist? Supremum of S exist by
कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। उसका नाम रख लेते हैं एल। एल इज अ से दैट से एल इज अ सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस। अगर ये सुप्रीमम है तो इसमें से मैं कोई अगर नंबर डिलीट कर दूं, कोई एप्सिलॉन माइनस कर दूं, तो वो तो अपर बाउंड नहीं रहेगा उस सेट का। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज गिवन नंबर। असल में हमने लिमिट पे जाना, लिमिट के जाने के लिए हमें एप्सिलॉन डेल्टा के दरमियान में रिलेशन बनाना है। तो हमने एप्सिलॉन एक पिक किया है, एप्सिलॉन इज गिवन देन एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ। ये हम बारह कर चुके हैं, कई दफ़ा हमने ये वाला जो कंसेप्ट है यूज़ किया है कि अगर एक सुप्रीमम है उसमें से कोई एप्सिलॉन माइनस करते हैं तो वो सुप्रीमम नहीं रहता, बल्कि सुप्रीमम क्या नहीं रहता, वो अपर बाउंड नहीं रहता। एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस। तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट तो लाजमी मिलेगा। इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट वाई एप्सिलॉन बिलोंग्स टू आई सच दैट वाई एप्सिलॉन इज लेस देन सी। अगर लेस देन सी है तो इम्प्लाइज करेगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ वाई एप्सिलॉन इज लेस देन एल। और हमें ये भी पता है कि एफ इंक्रीजिंग है। जब एफ इंक्रीजिंग है हम इस पे से जो डेल्टा है डेल्टा एप्सिलॉन वो पिक करते हैं सी माइनस वाई एप्सिलॉन। एंड इफ सी माइनस वाई इज लेस देन वाई डेल्टा देन वाई एप्सिलॉन इज लेस देन वाई लेस देन सी। इसी इनइक्वालिटी से हम निकाल सकते हैं दोनों, क्योंकि वाई डेल्टा एक्चुअली इक्वल है सी माइनस वाई एप्सिलॉन के। दोनों तमाम साइडों पे जो है ना वाई डेल्टा को ऐड कर देंगे इनइक्वालिटी की, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, इसी इनइक्वालिटी जब ये इनइक्वालिटी आ जाएगी तो एफ तो इंक्रीजिंग है। जब एफ इंक्रीजिंग है तो हमारे पास एफ ऑफ वाई एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ वाई इज लेस देन एफ ऑफ सी हो जाएगा। ऊपर हम कह चुके थे कि एफ ऑफ जो वाई एप्सिलॉन है वो बड़ा है एल माइनस एप्सिलॉन से, एफ ऑफ वाई एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ वाई इज लेस देन एल। अगर ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या हुआ कि हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जीरो लेस देन सी माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी सो द लिमिट ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट फॉर द राइट हैंड लिमिट। उसके लिए प्लस करना पड़ेगा, तो राइट हैंड लिमिट भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन हमने प्रूव किया कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन की फॉर एग्जांपल उसने दो चीज़ें बताई हैं, मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। ये इंटरवल लिया कोई, ये एक पॉइंट लिया सी, वो कहते हैं एंड पॉइंट नहीं लेना। इंटरवल लिया हमने पूरा ले लिया, इंटरवल क्लोज भी हो सकता है बाउंडेड भी हो सकता है, दोनों जो मर्जी इंटरवल ले लें आप। ये सी पॉइंट लिया है, कहते हैं अगर इस पर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस तरह का डिक्रीजिंग भी है तो सी के लेफ्ट से आए या राइट से आए, ये राइट साइड है सी की राइट साइड, इधर से अगर आएंगे ना तो लिमिट तो उसकी एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पे। उस पॉइंट का ना आंसर निकाला उसने, जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो ऑब्वियसली सी के जो छोटे पॉइंट्स हैं उनके लिए चेक करेंगे, जो राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो सी से बड़े पॉइंट्स हैं उनके लिए चेक करेंगे। इसलिए उसने दो अलग अलग कैटेगरी के सेट्स बना दिए हैं, राइट साइड के लिए एक्स इज ये यहाँ से एक्स लिया है और लेफ्ट के लिए यहाँ से एक्स लिया है। तो इससे आप इम्प्लाइज कर सकते हैं,
तो लिमिट एग्जिस्ट कर यहाँ से। अब मोनोटोनिक फंक्शन की ना प्रॉपर्टी से अगर आपको पता हो कि फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसकी हर इंटीरियर पॉइंट पे डोमेन इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड भी एग्जिस्ट करेगी, और उससे निकाला भी जा सकता है। वो किस तरह डिफाइन किया, उसका एक फार्मूला बना दिया है। सुप्रीम ले लिया एफ ऑफ एक्स का, इन्फिमम ले लिया एफ ऑफ एक्स का। अगर लेफ्ट के लिए चेक करना है तो सुप्रीम लेंगे, अगर राइट से चेक करना है तो उसका इन्फिमम लेंगे। तो ये एक उसका हमारे पास कंसिक्वेंसीज में से है मोनोटोनिक फंक्शन की। फिर इसकी कोरोलरी है कि हमारे पास 5.6.2 कोरोलरी हमारे पास है। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एफ लेट आई बी इंटरवल, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज दैट सी इज नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ आई, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। एफ इज कंटिन्यू एट सी, एंड पॉइंट नहीं है उसके अलावा तीन चीजें इक्विवेलेंट होंगी। एफ कंटिन्यूस होगा मोनोटोनिक होने के बाद, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम कहेंगे कि एफ इंक्रीजिंग है, उसके बाद एफ कंटिन्यूस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सुप्रीम इक्वल हो जाएगा इन्फिमम के, इसी की कॉरोलरी बन गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टेटमेंट दी गई है, इसको आप कर सकते हैं। कॉरोलरी ऑन पेज है जी 154, ये पेज दिया गया है, इसके ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, इसको करेंगे समझेंगे, उसकी एप्लीकेशन आपकी आगे आएगी। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरह से रिलेट करती है। उसके लिए पहले जंप एक डिफाइन कराया गया कि जंप ऑफ एफ एट गिवन पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। जंप ऑफ एफ एट सी एक जे एफ एक हमने डिफाइन करवाया, सी विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ। ये एक नंबर डिफाइन कराया गया, लेट करेगी एफ हमारे पास मैप है जो कि आई से आर पे है। सी जो है ना वो हमारे पास बिलोंग करता है आई से, एंड पॉइंट नहीं है। सी सच डेट सी इज नॉट एंड पॉइंट ऑफ आई, ये लाजमी बात है। तो फिर डिफाइन कराएंगे जंप ऑफ एफ एट सी, ये नोटेशन है जंप ऑफ एफ एट सी की। ये जे स्मॉल लिख के नीचे सबस्क्रिप्ट में एफ लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है, विच इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, या लेफ्ट राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की जो डिफरेंस है ना उसका नाम जंप रखा हुआ है, कितना फर्क है बीच में। ठीक है जी, उसको मजीद प्रसाइजली बताया भी हुआ है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इसी तरह से आप डिक्रीजिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके बाद थ्योरम है हमारे पास, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इसको पढ़ेगा 150। ये जंप ऑफ एफ एट जो सी है ये 155 पेज पे है। इसके बाद एक थ्योरम है 5.6.3, थ्योरम क्या कहता है जी हमारे पास, लेट करें कि आई है सबसेट आर का, एफ मैप है आई से आर पे, भी इन इंक्रीजिंग मैप, इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया हमने इंक्रीजिंग ऑन आई, इफ सी बिलोंग्स टू आई देन एफ इज कंटिन्यू एट सी एंड ऑन लीफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इफ एंड ऑन लीफ, जंप ऑफ एफ एट सी इज इक्वल टू जीरो। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया बना दिया है कि किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है ना एक पॉइंट पे, उसके लिए आप चेक करें उसका जंप जो है ना वो जीरो है कि नहीं है उस पॉइंट पे। और जंप उसके, अब इसलिए आपको उस पॉइंट पे दो लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट
करती है, ये तो पहले बता चुका हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट में निकालेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, देखेंगे कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका प्रूव आप कर सकते हैं आसानी से, 6.5.6.2 इसमें यूज़ हुआ, वहाँ से आप कंटिन्यू इसका प्रूफ आसानी से कर लेंगे। अच्छा, आप कंटिन्यूटी की हमने ये देखा, अभी मैंने रिमार्क आपको दिया था कि कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूस जरूरी नहीं होता, लेकिन एक थ्योरम है जो कि बहुत ही अहम रिजल्ट है जो हमें बताता है कि इसकी डिसकंटिन्यूटीज़ के हवाले से हम क्या कह सकते हैं किसी भी मोनोटोनिक फंक्शन की। तो वो ये थ्योरम दिया गया है 5.6.4, लेट करें जी आई सबसेट है आर का, इंटरवल दिया हुआ, इंटरवल पे ये बात है, वी एन इंटरवल जनरल नहीं की गई, ये सारी जो डिस्कशन है इंटरवल पे चल रही है, एंड लेट एफ फ्रॉम आई टू आर बी मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मोनोटोन ऑन आई, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स डी कंटेन इन आई एट विच एफ इज डिसकंटिन्यूस इज ए काउंटेबल सेट, इज ए, ये बहुत ही अहम रिजल्ट है इस हवाले से कि ये ना हमें करेक्टराइजेशन दे रहा है कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज कितनी हो सकती है मोनोटोनिक फंक्शन की। वो कहते हैं काउंटेबल होंगी, अनकाउंटेबल नहीं हो सकती। इसकी सिर्फ स्टेटमेंट आप कर लें, प्रूफ इसका ऑब्वियसली थोड़ा सा है, आसान ही है लेकिन लेंथी है, तो वो मैं आप स्किप करा रहा हूँ, अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए ने स्किप कर दिया इसका प्रूफ। इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, आप बता रहा है कि कोई भी हमारे पास मोनोटोन फंक्शन हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो, स्ट्रिक्टली जो है हमारे पास हो, उसकी ना डिसकंटिन्यूटीज़ का जो सेट होगा, मतलब एक कितने पॉइंट पर डोमेन के वो डिसकंटिन्यूटी होगा, वो आप अगर आप काउंट करें तो वो काउंटेबल सेट कहलाएगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। ये उस प्रूफ किया गया है। और इन्वर्स फंक्शन के हवाले से हमारे पास अगला जो है वो कंसेप्ट है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ये कैसे डिफाइन कराया जाता है। पहली बात ये है किन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसकी करेक्टराइजेशन दी गई थी सेक्शन नंबर 1.1 में, एफ हैज एन इन्वर्स इफ एंड ओनली एफ इज इंजेक्टिव, एफ हैज an inverse if and only if f is an injective map, injective function, map कहूँ या function को बात है कि ये। अब monotonic function का inverse function के साथ क्या ताल्लुक है, ये हमारे पास एक अहम जो result है वो ये है कि अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन हो तो वो इंजेक्टिव होता है, और इंजेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास एक रिमार्क है, एवरी स्ट्रिक्टली का जरूरी है लफ्ज, मोनोटोन फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन, इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव को कहते हैं 1-to-1 भी कहते हैं, से 1-to-1, 1-1-1, 1-1 मैप नहीं होती ये, आप उसे रिकॉल किया कि 1-to-1 मैप कौन सी होती है, इंजेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हर स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, चाहे वो उसका वो कंटिन्यूस हो या ना हो ये अलग बात है, हर इंजेक्टिव फंक्शन होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो चाहे वो कंटिन्यूस हो या ना हो, कंटिन्यूटी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। कंटिन्यूस इन्वर्स थ्योरम है, अगर कोई हमारे पास इंटरवल है और उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है और कंटिन्यूस है, तो उसका जो हमारे पास इन्वर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा और वो भी कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस इन्वर्स थ्योरम 156 पेज पे दिया गया है, इसको आप लोग करेंगे, इसका प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, स्टेटमेंट की भी प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि कंटिन्यूस
इनवर्स थ्योरम, लेट आई बी द सबसेट ऑफ आर, एफ फ्रॉम आई टू आर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो स्ट्रिक्टली मोनोटोन मोनोटोन एंड कॉन्टिन्यूस and continuous on I, then function g inverse of f is strictly monotone, then the function g inverse of f, g jo hai na wo inverse f ka, inverse of f is strictly monotone and continuous on f of i, क्योंकि आपको पता है जब फंक्शन है हमारे पास उसकी डोमेन, जब इसका इनवर्स हम बात करते हैं तो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाती है। अब मोनोटोनिक फंक्शन के केस में, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन के केस में हमारे पास ये एक बड़ा फेमस रिजल्ट है जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम, कि अगर फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स ये हमारे पास इंक्रीजिंग में है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक मैप है जिसका ग्राफ मैंने बनाया है, ये इस एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप इस थ्योरम की ये दे सकते हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि दी गई हैं आगे, हम बाकी फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज में और आगे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अभी इसी लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।